नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BHU पाठशाला के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। टॉप 700 MCQ सीरीज़ की ये 6 वीडियो लेक्चर है। इसके पहले 5 वीडियो जा चुकी है चैनल पे, आप सबने देखा भी होगा। और इसी के साथ साथ पिछली वीडियो में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, उसके मैं पहले आप सबको आंसर बताना चाहूँगा, उसके बाद इस वीडियो की शुरुआत करूँगा। आप सबको पता होगा ये सीरीज़ बाइलिंगुअल चल रही है और इसका PDF आपको BHU पाठशाला ऐप पर मिल जाता है, यानी कि आप ऐप पे आप PDF प्राप्त कर लेते हैं। और ये जो सीरीज़ चल रही है BHU, AU, AMU, उसी के साथ साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, DU, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ऐसे जो भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ कंपटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछा था, जैसे नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, तो वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। UAE की जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। उसी के साथ साथ मैंने आप सबसे इसरो से रिलेटेड फैक्ट लिखने के लिए बोला था, आप सबने बहुत अच्छा लिखा था, तो आई रियली अप्रिसिएट योर एफर्ट्स। आप सबके एफर्ट्स जो बिल्कुल उसकी सराहना होनी चाहिए। तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यानी इस सीरीज़ का 101वां प्रश्न है, 101st क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे ऑन 1 नवंबर, यानी 1 नवंबर को कौन सा राज्य जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव होगा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य जो है अपने जो स्थापना दिवस है या इस्टेब्लिशमेंट डे जो है वो मनाते हैं, ठीक है। यानी कि कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं अपना 1 नवंबर को। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना होती है, 1 नवंबर 2000 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के भूपेश बघेल, ठीक है। कौन है? भूपेश बघेल, BB, ठीक है, भूपेश बघेल हैं। और शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे याद कर सकते हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके, ठीक है, अनुसुईया उइके, ठीक है, अनुसुईया, और AU से आप ऐसे करके आ सकते हैं, अनुसुईया उइके, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड फैक्ट आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बारे में। अब आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें, तो आंध्र प्रदेश की इस्टेब्लिशमेंट कब होती है? 1 नवंबर 1956 की इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। अब ये आपको जानना जरूरी है कि यहाँ के वर्तमान में CM कौन है, तो यहाँ पे वर्तमान में CM आपके YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है, YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के CM हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के जो है वर्तमान में क्या हुआ आपके गवर्नर हैं, नहीं राज्यपाल हैं। ये भी फैक्ट आपका क्लियर हुआ। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, तो मध्य प्रदेश की जो स्थापना होती है ये भी 1 नवंबर 1956 को ही होती है। अब एक फैक्ट मैं यहाँ से बताना चाहूँगा, यहाँ से आपका आंध्र प्रदेश से, कि ये फर्स्ट ऐसा स्टेट है जो भाषाई आधार पर बना था, ठीक है, फर्स्ट स्टेट टू बी फाउंड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? आंध्र प्रदेश। ये भी आपको जानना जरूरी है। इट्स ऑल राइट, अब हम आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ के वर्तमान में CM कौन है, तो CM है SSC इनकी शिवराज सिंह चौहान जी। और वर्तमान में यहाँ के गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल, ठीक है, MG पटेल, ठीक है, मंगू भाई पटेल, ठीक है, मंगू भाई पटेल यहाँ के क्या है वर्तमान में गवर्नर हैं। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन होगा द कैलपथी कैरियट फेस्टिवल, ठीक है, कैलपथी कैरियट फेस्टिवल इज़ एनुअली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। कल्पति होना चाहिए, रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा? केरला होगा। केरला के पलक्कड़, यानी कि केरला के पलक्कड़ जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर मनाया जाता है ये। और इसका जो इसलिए एग्जैक्ट आंसर होगा क्या होगा आपका? केरला होगा। मदुरई जो है, मदुरई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और मदुरई को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको एक फैक्ट ये भी जानना होगा कि सिटी ऑफ जॉय किसको कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है? कलकत्ता को कहा जाता है। मदुरई कहाँ पड़ता है? तो आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करें यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र ये कैपिटल मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है पिछली वीडियो में कि बॉम्बे इसकी कैपिटल है, और जो नागपुर है इसकी क्या है वो विंटर कैपिटल है। अब ये आप जान के रखिए कि महाराष्ट्र के वर्तमान में CM कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वो हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी जी। कर्नाटका के बारे में अगर हम बात करें, तो कर्नाटका के
वर्तमान में सीएम कौन है, बीएस बुमाई, और यहाँ के गवर्नर कौन है, थावरचंद गहलोत। ठीक है, टीसी गहलोत जो है यहाँ के वर्तमान में आपके गवर्नर हैं। उसी के साथ साथ केरला के बारे में बात करें, केरला के वर्तमान में गवर्नर कौन है, आप यूँ पहले जानिए कि वहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम है आपके पिनराई विजयन। और यूँ कहा जाए कि अगर वहाँ के गवर्नर कौन है, तो वह है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान क्या वहाँ के गवर्नर हैं। तो ये सारे फैक्ट आपके क्लियर हुए। बात करें उड़ीसा के, तो उड़ीसा के अभी अभी हमने फैक्ट जो है वो डिस्कस करे हैं पहले के वीडियोज़ में, बट यहाँ पे फिर डिस्कस कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा जो है, यूँ कहें कि वहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है, तो वह नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक वहाँ के सीएम हैं। गवर्नर जी से गवर्नर और जी से गणेशी लाल भी होता है, यानी कि गणेशी लाल जी जो है कि क्या वर्तमान में गवर्नर हैं। ये दोनों फैक्ट आपके क्लियर हुए। उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर में है। ठीक है, भुवनेश्वर में है, लेकिन यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, कटक में। ठीक है, हाई कोर्ट कहाँ पे है, कटक में, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हुए, आगे हम चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न होगा अब आपसे, ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। ICC महिला T20 विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका न्यूजीलैंड होगा। और न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी वेलिंगटन में है, और यहाँ का जो करेंसी है वो क्या है, न्यूजीलैंड की डॉलर है। ठीक है, न्यूजीलैंड की डॉलर, न्यूजीलैंडियन डॉलर हो गया आपका। ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए। इंडिया के आपके बारे में पता है कि इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है, यहाँ का जो करेंसी है, मुद्रा है, वो रुपया है। अब बात करते हैं इंग्लैंड के बारे में, तो इंग्लैंड का भी आपको पता होगा, यहाँ की राजधानी लंदन है, और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, पाउंड है। साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें तो साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है वो साउथ अफ्रीकन रैंड है, और यहाँ के तीन कैपिटल्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू ग्रांट 100% टैक्स एग्जम्पशन टू ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टिल December 31, 2022। किस राज्य ने 31 दिसंबर 2022 तक सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% कर छूट देने का फैसला किया है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ऐसा फैसला किया है, और तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है, तो हैं MK स्टालिन। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, तो यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। अब हम आगे चलते हैं, असम के बारे में डिस्कस करें, तो असम जो है, असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत शर्मा जो है, हेमंत विश्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है, तो आप सबको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, जगदीश मुखी जी। ठीक है, जगदीश मुखी जी जो वहाँ के हैं वर्तमान में गवर्नर हैं, भी आपको जानना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के बारे में सारे फैक्ट आप जानते हैं, और असम के जो कैपिटल है वो कहाँ है, दिसपुर में। यहाँ पे सीएम योगी जी जो हैं मुख्यमंत्री हैं, और इसी के साथ साथ आपको ये भी जानना होगा आनंदीबेन पटेल जो यहाँ की गवर्नर हैं। तमिलनाडु के बारे में हमने डिस्कस किया, आंध्र प्रदेश के बारे में डिस्कस करें, तो आंध्र प्रदेश के बारे में अगर हमें डिस्कस करना है तो सिंपल इज़ लाइक दैट कि आंध्र प्रदेश की जो वर्तमान में तीन राजधानियाँ जब मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। और इसी के साथ साथ यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है, ये भी आपको बताना होगा, और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है, ये भी आपको बताना होगा। मैंने ऑलरेडी पीछे के वीडियोस में बताया हुआ है, इससे आपका रिवीजन भी होगा और चीज़ें क्लियर भी होंगी। तो ये सारे फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए, हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पास्ड एन ऑर्डिनेंस अगेंस्ट अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण के खिलाफ अध्यादेश पारित किया है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश वुड बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ का हमने फैक्ट अभी डिस्कस किया है। गुजरात के बारे में डिस्कस करें तो वर्तमान में वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, विजय रूपानी जी। और जो वर्तमान में वहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। ठीक है, AD, ठीक है, आचार्य देवव्रत हो गए। और उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, पुरस्कार सिंह धामी हैं। ठीक है, पुरस्कार सिंह धामी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं कौन है, बेबी रानी मौर्य। ठीक है, कौन है, बेबी रानी मौर्य। ये सारे फैक्ट भी आपको क्लियर होने चाहिए। और इसी के साथ साथ बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, कलराज मिश्रा जी। ठीक है, कलराज मिश्रा जी यहाँ के गवर्नर हैं। ये सारे फैक्ट भी आपको क्लियर हुए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिसेंटली अ न्यू स्पीसीज ऑफ मशरूम रोमेडोमाइसिस फाइलोस्टैकिडिस हैज़ बीन फाउंड इन विच स्टेट। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक मशरूम की नई प्रजाति मिली है जिसका नाम है रोरिडोमाइसिस
तो फाइलोस्टैकिडाइस, ठीक है, यानी कि ये जो प्रजाति है फाइलोस्टैकिडाइसिस जो है, या इसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ये होना चाहिए, फाइलोस्टैकिडाइस हैज़ बिन फाउंड इन विच स्टेट, ये कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये जो है यहाँ मेघालय में मिला है, और मेघालय की राजधानी शिलोंग में है, ठीक है, आपको पता होगा ऑलरेडी। और जो गारो गारो खासी और जयंतिया जो हिल्स हैं वो कहाँ पड़ती हैं? ये मेघालय में ही पड़ती हैं। और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? कॉनराड संगमा जो है वहाँ पे वर्तमान में सीएम है, ठीक है। सीएम कौन है? कॉनराड संगमा यहाँ के सीएम है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक, ठीक है, सत्यपाल मलिक जो है यहाँ के वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। ये भी फैक्ट आपका क्लियर हुआ। बात करें मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर के वर्तमान में गवर्नर के पहले बात करें तो नजमा हेपतुल्ला जी जो हैं यहाँ पे वर्तमान में गवर्नर हैं, ठीक है, नजमा हेपतुल्ला जी। और यहाँ के जो सीएम हैं वो भी एन से ही उनका नाम स्टार्ट होता है, एन वीरेन सिंह, ठीक है, एन वीरेन सिंह जो है यहाँ के सीएम भी हैं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ये भी फैक्ट आपका क्लियर हुआ। बात करें मिजोरम के बारे में, तो मिजोरम की जो राजधानी है वो कहाँ पड़ता है? मिजोरम की राजधानी आइजोल में पड़ता है, और आइजोल ये राजधानी यहाँ की, वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है आपके जोरन थम्बा, ठीक है, जोरन थम्बा जो है वहाँ के सीएम है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। और यहाँ के जो गवर्नर कौन है? तो कंबापति हरिबाबू, ठीक है, कंबापति हरिबाबू जो है यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखें अगर तो कंबापति हरिबाबू, ठीक है, ये इनका जो है पूरा शॉर्ट फॉर्म होगा। और मिजोरम को मैंने कैपिटल आपको बताया, मणिपुर के कैपिटल इंफॉल होगा, और इसी के साथ साथ मेघालय का मैंने ऑलरेडी बताया आपको शिलोंग होगा, और असम के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, और यहाँ के जो कैपिटल है वो क्या है आपके? दिसपुर है। इट्स क्लियर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट टायर पार्क विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, भारत का पहला टायर पार्क जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा क्या होगा आपका? वेस्ट बंगाल विल बी द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है, यानी किस राज्य में स्थापित होगा? तो वो वेस्ट बंगाल में स्थापित होगा, ठीक है, यानी वेस्ट बंगाल के बारे में आप सबको फैक्ट पता होगा कि यहाँ के जगदीश धनखड़ जी जो हैं यहाँ के क्या हैं, आपको पता होगा कि यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं, ठीक है, उनका नाम धनखड़ है, ये आपको याद रखना, लास्ट वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। और यहाँ पे ममता बनर्जी जी जो हैं वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं, यहाँ का कैपिटल क्या है? कैपिटल आपका कोलकाता है, ये सारे फैक्ट आपको क्लियर होंगे। अब हम बात करें बिहार के बारे में, बिहार की कैपिटल पटना है, और यहाँ के वर्तमान में बात करें सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार जी हैं, एनके करके नीतीश कुमार जी, और गवर्नर कौन है? फागू चौहान जी हैं, ठीक है, फागू चौहान जी जो हैं उसके गवर्नर हैं, ठीक है, कहाँ के? बिहार के। आंध्र प्रदेश के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, उत्तर प्रदेश के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो इट्स ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली अनवील्ड स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद इन विच यूनिवर्सिटी, यहाँ पे वर्चुअली होना चाहिए, इट शुड बी, इट्स ऑल राइट। सो यहाँ पे वर्चुअली ये पूछा जा रहा है कि हाल, मतलब सॉरी, वर्चुअली उन्होंने एक उद्घाटन किया है या अनावरण किया है, तो पूछा आपसे ये जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है, और वो वर्चुअली किया है, यानी कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू किया है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा आपका? जेएनयू। जेएनयू कहाँ पे है आपका? न्यू दिल्ली में, ठीक है, तो ये सारे फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और बीएचयू के बारे में क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1916 में, ठीक है, फरवरी 1916 में किसकी स्थापना होती है, और मदन मोहन मालवीय जी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, ये आपसे फैक्ट पूछा जाता है। एएमयू के बारे में बात की जाए तो इसका जो पहले का नाम था क्या, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसकी जो वो पहले नाम था वो, उसके स्थापना इसकी होती है एक कॉलेज के रूप में, वो होती है 1875 में, ठीक है, और वो कौन करता है? तो वो करता है हमारे सर सैयद अहमद खान, और बाद में ये 1920 में, ठीक है, कब? 1920 में ये एज अ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, और वो एक पार्लियामेंट से एक एक्ट निकलता है, और उसके थ्रू इसकी इस्टेब्लिशमेंट एज अ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट यूटी हैज़ टॉप्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स, किस केंद्र शासित या राज्य, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा आपका जम्मू कश्मीर होगा, और ये जम्मू कश्मीर में ही आयोजित किया गया था, और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। गुलमर्ग कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर के बारामूला
जो जिला है या डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पड़ता है, ठीक है, ये भी फैक्ट आपको जानना होगा। ये सेकेंड एडिशन था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, और इसी के साथ साथ एक फैक्ट ये भी है कि यहाँ पे 11 गोल्ड मेडल और इसी के साथ साथ 18 सिल्वर मेडल और कुल 5 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जम्मू कश्मीर ने जीता हुआ है। तो ये भी फैक्ट आपको जानना ज़रूरी है। और भी बात कर लेते हैं, कुछ और भी स्टेट्स आपके दिए हुए हैं। यहाँ के वर्तमान में एलजी कौन है, तो मनोज सिन्हा जी हैं, ठीक है। मनोज सिन्हा जो हैं यहाँ के वर्तमान में एलजी हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। हरियाणा के बारे में बात करें, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ के क्या हैं वर्तमान में आपके सीएम हैं, ठीक है, एमएलके मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो आपको पता होगा बंडारू दत्तात्रेय, बीडी मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा हुआ, ठीक है। बंडारू दत्तात्रेय जो है वर्तमान में हरियाणा के गवर्नर हैं। आगे बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब के वर्तमान में सीएम कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ये जो वर्तमान में क्या है सीएम है यहाँ के। और वर्तमान में राइट नाउ पंजाब के गवर्नर कौन है, तो वीपी सिंह है, ठीक है, विजेंद्र प्रताप सिंह बदनौर, ठीक है, इनका पूरा पूरा नाम है। ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हुए, उड़ीसा से ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 110वां प्रश्न है इस सीरीज़ का। रिसेंटली तरुण गोगोई पास अवे, ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, हाल ही में तरुण गोगोई का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये भी फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। असम से रिलेटेड भी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है। नागालैंड के बारे में बात करें, तो नागालैंड की जो राजधानी वो कोहिमा में है, ठीक है, कहाँ पे, कोहिमा में है। और वर्तमान में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन हैं, वो आपके नेफ्यू रियो, ठीक है, NR, ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, नेफ्यू रियो यहाँ की ये मुख्यमंत्री हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ के गवर्नर कौन है, तो NV रवि जो है यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है, NV रवि, ठीक है, NV रवि यहाँ के वर्तमान में आपके गवर्नर हैं, ठीक है, ये भी आपको फैक्ट बिल्कुल पता होना चाहिए। तो सॉरी, आर्यन रवि हैं ये, आर्यन रवि हैं ये आपको पता होना चाहिए। सो ये आर्यन रवि हैं, ठीक है, आर्यन रवि हैं ये, आर्यन रवि, और उधर क्या है, NR, तो कुछ आपको सिमिलरिटीज़ दिख रही होगी, इधर आर्यन है और इधर क्या है NR, एक शॉर्ट फॉर्म में आपको सिमिलरिटी दिख रही होगी। तो यहाँ पे नेफ्यू रियो जो है ये यहाँ के CM हैं और आर्यन रवि जो है यहाँ के क्या है वर्तमान में गवर्नर हैं नागालैंड के। आगे चलते हैं, तेलंगाना के बारे में हमने डिस्कस किया है, फिर से हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो यहाँ के वर्तमान में यूँ कहें हम, तो तेलंगाना के बारे में अगर डिस्कस करें, तो यहाँ पे वर्तमान में के चंद्रशेखर राव जी यहाँ के CM हैं, के चंद्रशेखर राव जी यहाँ के CM हैं, KCR जिन्हें कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और तमिलिशाई सौंदरराजन जो यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी भी आपको बता रखा हुआ है, तमिलिशाई सौंदरराजन जो यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कर्नाटका के बारे में हमने ऑलरेडी फैक्ट कई बार डिस्कस किया हुआ है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, इसकी राजधानी कहाँ पे है, बेंगलोर में है, ठीक है, बेंगलुरु में है इसकी राजधानी। और यहाँ के वर्तमान में जो है CM कौन है, BS यानी कि बासवराज बोम्मई, BS बोम्मई जिन्हें कहते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो थावरचंद गहलोत जी हैं। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज़ फाइनली लॉन्च द धरनी पोर्टल टू स्टोर लैंड रिकॉर्ड्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है, किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड और संपत्तियों के पंजीकरण को संग्रहित करने के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी उड़ीसा। उड़ीसा ने ऐसा किया कि जो भी आपकी संपत्ति है, प्रॉपर्टी, उसका सारा रिकॉर्ड जो है पोर्टल पे होगा और उस पोर्टल का नाम होगा धारणी पोर्टल, ठीक है। तो यहाँ उड़ीसा के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और उड़ीसा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 1 अप्रैल को जो है उड़ीसा क्या अपना सेलिब्रेट करता है, अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करता है, जिसे हम उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दैट इज़ उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1936 में, कब, 1936 में जो है यहाँ पे उड़ीसा के एक राज्य के रूप में स्थापना होती है, इस्टेब्लिशमेंट होती है, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तेलंगाना के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कर्नाटका के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पे गुजरात के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 5 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को हम जानते हैं भारत में चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, ये भी फैक्ट आपको पता होगा। 9 नवंबर के बारे में बात करें तो वर्ल्ड फ्रीडम डे मनाया जाता है इस दिन, ठीक है। वर्ल्ड फ्रीडम डे जो है वो आपको 9 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को आपको पता होगा यहाँ पे भारत में क्या मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, ठीक है, यानी संविधान दिवस जो है भारत में मनाया जाता है। अब यूँ जान लीजिए 1949 में हम जो है 26 नवंबर को अपने संविधान को स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इसके वजह से जो है यहाँ पे इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 113th क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज़ दैट नेशनल यूनिटी डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 31 दिसंबर को मनाया जाता है। द करेक्ट आंसर वुड बी क्या हो जाएगा आपका, 31st ऑफ अक्टूबर, ठीक है, इट्स ऑल राइट। और इसी के साथ साथ इस दिन जो है ये क्या होता है, ये क्यों मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है वो जन्मदिन होता है, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल जो है इनके पूरा नाम होता है, इनको पता होगा ये हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और प्रथम उप मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है, वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी यही थे। आगे चलते हैं, रिसेंटली कीथम लेक इज डिजिग्नेटेड एज रामसार साइट, इट इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट? हाल ही में कीथम झील को रामसार साइट के रूप में नामित किया गया, यह किस राज्य में है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा आपका, उत्तर प्रदेश में है। और इसी के साथ साथ आप ये भी जानिए कि यहाँ कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में आगरा के समीप ही, आगरा के पास में पड़ता है, ठीक है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसार साइट हैं, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो ये आप याद करके रखिए, 42 है, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं भारत में रामसार साइट्स, तो 42 रामसार साइट्स हैं। गुजरात के बारे में हमने फैक्ट डिस्कस किया है, महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस कर लिया है, उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लिया है, और साथ ही साथ असम के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, सिम्बेक्स 20 नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो सिम्बेक्स 20 नौसेना अभ्यास हुआ है वो भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा, सिंगापुर में हुआ है, और सिंगापुर की जो करेंसी है क्या आपकी डॉलर है, और यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या आपकी सिंगापुर सिटी है, ठीक है, सिंगापुर सिटी जो यहाँ की कैपिटल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखिए एक चीज़ और है, एस से यहाँ पे आपका सिंगापुर हो जाएगा और आई से क्या आपका हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस आई को आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, ठीक है, तो आपकी ऑलरेडी चीज़ें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। नेपाल के बारे में हमने भी डिस्कस किया हुआ है, फिर यहाँ पे देख लेते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और यहाँ की वर्तमान में करेंसी क्या है, तो नेपाली रुपया है, ठीक है। सिंगापुर हमने डिस्कस कर लिया, चाइना के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि चाइना की जो कैपिटल है वो आपकी बीजिंग में है और जो यहाँ की करेंसी है वो क्या आपकी है, रेनमिनबी है, ठीक है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो क्या है, वो आपकी मंडारियन है, ठीक है, मंडारियन जो है वो यहाँ की क्या है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये भी आपको जानना होगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको जानना है। मंगोलिया के बारे में डिस्कस करें तो मंडारिन जो है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इस पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंगोलिया के बारे में डिस्कस करें तो मंगोलिया की जो राजधानी है वो उलान बातर है, ठीक है, उलान बातर, ये भी आपको जानना जरूरी है, उलान बातर में उसकी राजधानी है और उसकी जो करेंसी है वो क्या है, तो करेंसी इसकी क्या आपकी करेंसी आपकी है मंगोलियन टोगरोग, ठीक है, मंगोलियन टोगरोग जो है इसकी यूँ कहें कि करेंसी है, ठीक है। टोगरोग की स्पेलिंग आपकी ये है TOGROG, ठीक है, मंगोलियन टोगरोग इसकी क्या है करेंसी, ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंटली फाइनेंस कमीशन वाज इन न्यूज़, फाइनेंस कमीशन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाल ही में वित्त आयोग खबरों में था, वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है, 280, आर्टिकल 280 विल बी द एग्जैक्ट आंसर। और ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि फरवरी 2021 में इसने अपनी जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसने अपने फाइनल रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सौंप दी थी, इस वजह से ये न्यूज़ में था। और इसके चेयरमैन कौन थे, तो चेयरमैन थे इसके एनके सिंह जी, ठीक है, कौन चेयरमैन था, एनके सिंह जी इसके चेयरमैन थे। और जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे, तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन थे KC नियोगी, ठीक है, KC नियोगी, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, तो आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। और भी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 123 में क्या है, आर्टिकल 123 में क्या है आपका,
103 में क्या है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंसेज रिलीज कर सकते हैं या अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद जो है वो सत्रावसान में हो, यानी कोई भी संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी बैठक नहीं चल रही हो। ये आपको फैक्ट क्लियर होना चाहिए। 143 के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, ठीक है, यानी कि उसको किसी भी मामले में, कानूनी मामले में अगर एडवाइस चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल एडवाइस ले सकता है। ये आपके किस में आर्टिकल में है, 143 में, ठीक है, जिसमें हम एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। और बचा आपका 352, तो इसमें क्या आपका नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी अपने देश में 3 बार लगी हुई है, एक 1962 में, 1962, देन 1971, देन 1975, ठीक है, ये 3 बार लगी हुई है। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़िए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैंने कई बार अपने और भी लेक्चर्स में बताया हुआ भी है, अगर आपको आपने पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, उसके आगे चीज़ों को हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, तो सी, ऑप्शन सी विल बी द एग्जैक्ट आंसर, ज्ञानेंद्र निंगुम्बम जो है एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है, ज्ञानेंद्र निंगुम्बम जो है वो इसके अध्यक्ष चुने गए हैं या प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ये आपका क्लियर हो गया, हॉकी इंडिया कौन अध्यक्ष हैं, तो ज्ञानेंद्र निंगुम्बम जो है इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। ये भी फैक्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। हम बात करते हैं प्रहलाद जोशी जी की, तो ये वर्तमान में क्या हैं, कोल माइंस और इसी के साथ साथ ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हमारे मिनिस्टर हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कोल, मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है, ये मिनिस्टर हैं हमारे इसके, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। और ये यूनियन मिनिस्टर हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार के। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 118th क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, दैट विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट 2023। कौन सा देश G20 समिट या G20 शिखर सम्मेलन द्वारा 23 की मेजबानी करेगा, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा भारत यानी इंडिया इसकी मेजबानी करेगा। और यूँ जान लीजिए आप कि अगर हम बात करें 2022 में इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो वो इंडोनेशिया करेगा। और ये जानना आपको ज़रूरी है 2024 में कौन करेगा, तो 2024 में आपका करेगा ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील करेगा, ब्राज़ील इसकी मेजबानी करेगा। मैंने ब्राज़ील के बारे में अभी फैक्ट आपको पिछले के वीडियो में बताया हुआ है, ये सारे फैक्ट्स आपको जानना ज़रूरी है। इटली के बारे में बात करें, यहाँ की राजधानी रोम है और यहाँ की जो करेंसी है वो लीरा है, ठीक है, इटालियन लीरा जो है यहाँ की करेंसी है, ये भी फैक्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सऊदी अरबिया के बारे में बात करें, तो सऊदी अरबिया की राजधानी जो है आपकी रियाद में है, ठीक है, सऊदी अरबिया की राजधानी कहाँ पर, रियाद में है, और इसकी जो करेंसी है वो आपकी रियाल है, ठीक है, क्या है इसकी करेंसी, आपकी रियाल है। ये सारे भी फैक्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, हमारा 119th क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पास द ऑर्डिनेंस टू बैन द ऑनलाइन गेमिंग। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, आप हिंदी पहले समझ लीजिए कि ऑनलाइन गेमिंग पर, यानी जो ऑनलाइन खेल होता है यूँ समझिए, पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया है या अध्यादेश पारित किया है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु से रिलेटेड फैक्ट हमने अभी इस वीडियो में चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, और गुजरात हमने देख लिया है, बिहार देख लिया, उसी के साथ हमने महाराष्ट्र भी डिस्कस कर लिया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G सैटेलाइट इनटू स्पेस। किस देश ने सफलतापूर्वक दुनिया का पहला 6G उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो कोई और देश नहीं, चाइना होगा, ठीक है, चीन ने इसको 6G सैटेलाइट को स्पेस में, अंतरिक्ष में लॉन्च किया हुआ है। चाइना के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है कि यहाँ की राजधानी बीजिंग है, यहाँ का करेंसी रेनमिनबी है, और यहाँ के मंडारियन जो है यहाँ के क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। रशिया के बारे में बात करें, रशिया की राजधानी मॉस्को में पड़ता है। यहाँ की जो करेंसी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टोक्यो के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी, ये जापान की राजधानी टोक्यो है, और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, येन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है बहुत से बार। अमेरिका यूएसए के बारे में बात करें, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या आपकी वाशिंगटन डीसी है, और यहाँ का करेंसी जो है आपका क्या है, वाशिंगटन डीसी है, करेंसी जो है आपका यूएसए का डॉलर है। तो आपको जो मुझे ये बताना, मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, यहाँ पे रशिया की जो करेंसी है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल ऑलरेडी मैंने बताया, जो कैपिटल कहाँ पे, मॉस्को में है। तो ये थे आज के 20 प्रश्न, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, BHU पाठशाला ऐप को डाउनलोड करिए, और वहाँ पे PDF आप ओपन करेंगे, और यहाँ पे ऐसे करके आपको एक सेक्शन दिखेगा, और जैसे ही इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो YouTube पे आप वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो पे आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आप
उस लिंक पे क्लिक करते हैं यूट्यूब पे आ जाएंगे और बिल्कुल डिटेल्ड और वे में जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे यूट्यूब पे चल रही है वो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन जो आपको मिल जाएगी। यानी कि आप एज अ प्रैक्टिस इस पीडीएफ को यूज़ करिए कि आप देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, कहाँ पे और प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद ऑल ऑफ अस, हमारे टीम के साथ जुड़े रहिए और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, कोई भी क्वेरीज है वहाँ रखिए, बिल्कुल ट्राई करेंगे कि वी विल शॉर्ट आउट उसको जो भी है। और दिस वॉज ऑल अबाउट, प्रीमियम कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।